नमस्कार दोस्तों, अपनी पाठशाला के YouTube चैनल में आपका फिर से मैं एक बार स्वागत करता हूं आज के इस सेशन में। और आज के इस सेशन में हम DSSB सोशल साइंस का प्रैक्टिस सेट प्रैक्टिस क्वेश्चंस करने वाले हैं, सेट 3। इसके अंदर मैं 20 क्वेश्चन कराने वाला हूं। तो दोस्तों, जो लोग भी DSSB TGT सोशल साइंस या UP TGT सोशल साइंस या सोशल साइंस की तैयारी कर रहे हैं, वो स्टूडेंट्स इस क्लास का बेनिफिट उठा सकते हैं, क्योंकि ये जो सीरीज़ चल रही है इसके अंदर मैं सोशल साइंस के अलग अलग टाइप्स के क्वेश्चंस करा रहा हूँ और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस करा रहा हूँ। तो चलिए दोस्तों, ज़्यादा देर नहीं करते हैं और क्लास को शुरू करते हैं। देखिए सर, पहला क्वेश्चन, जब उष्ण और हल्की वायु ठंडे और अधिक गहरी वायु के विरुद्ध चलती है तो पूर्ववर्ती दूसरी के ऊपर चढ़ जाती है, एक वाताग्र कहलाता है, क्या कहलाता है? तो इसका आंसर क्या होगा? शीत वाताग्र, उष्ण वाताग्र, अवरुद्ध वाताग्र या स्थिर वाताग्र? तो इसका आंसर होगा उष्ण वाताग्र। क्या कहलाता है वो? उष्ण वाताग्र। अगर क्वेश्चन को अगर ढंग से समझे तो इसमें पूछा क्या है, जब उष्ण और हल्की वायु, उष्ण का मतलब था गर्म, हल्की वायु ठंडे और अधिक गहरी वायु के विरुद्ध चलती है, इसका मतलब होता है ये हमारी ठंडी वायु, ये क्या है? हमारी ठंडी वायु है। अब जो उष्ण और हल्की वायु, ये क्या है? उष्ण और हल्की वायु है। अब ये इसके विरुद्ध चल रही है, ये इधर चल रही है और ये इधर चल रही है, ठीक है, विरुद्ध चलती है। देखो तो यहाँ तक समझ में आया? तो पूर्ववर्ती दूसरी के ऊपर चढ़ जाती है। अब पूर्ववर्ती क्या मतलब है? जो पहले से चल रही है वो उसके ऊपर चढ़ जाएगी, यानी कि ये जो वायु होगी ना, ये वाली वायु, ये इसके ऊपर से चली जाएगी, ये इसके ऊपर से चली जाएगी, चढ़ जाती है। तो वाताग्र कहलाती है उष्ण वाताग्र। अब देखो नियम के अनुसार क्या होता है, इसको जरा कॉन्सेप्ट समझिए। ये नियम है कि जो हमेशा गर्म वायु होगी, गर्म वायु होगी वो हमेशा ऊपर की तरफ उठती है, किसकी तरफ? ऊपर की तरफ उठती है। और जो फिर जो ठंडी वायु हो जाती है वो ठंडी होकर के वो नीचे की तरफ आती है। तो इस प्रकार से ये चक्र चलता रहता है, ऐसे इस प्रकार से ये चक्र, जो ठंडी वायु है वो नीचे की तरफ आती है और जो उष्ण वायु है वो ऊपर की तरफ जाती है। तो ये जो वायु है ये ठंडी वायु के ऊपर चढ़ जाती है, इसलिए इसे बोलते हैं उष्ण वाताग्र। समझ में आया? चलिए अगला क्वेश्चन, ध्रुवीय वाताग्र सिद्धांत डैश के द्वारा प्रतिपादित किया गया, यानी जो ध्रुवीय वाताग्र सिद्धांत है किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया? तो उसका आंसर होगा ए, जे बर्क नीच के द्वारा प्रतिपादित किया गया। अगला प्रश्न है, प्रकाशीय क्षेत्र की गहराई डैश के बीच है, तो प्रकाशीय क्षेत्र की जो गहराई है वो आपका 200 मीटर तक है, किसके? 200 मीटर तक। अगला प्रश्न, क्रोशियो धारा डैश में देखी जाती है, तो क्रोशियो धारा प्रशांत महासागर में देखी जाती है, कहां पर? प्रशांत महासागर में। अगला प्रश्न है, तापीय ऊर्जा परियोजना निम्नलिखित में से किस पर कोई प्रभाव नहीं डालता? तो इसका जो आंसर होगा वो सी, वो ध्वनि प्रदूषण पर कोई प्रभाव नहीं डालता, जो तापीय ऊर्जा है। अगला प्रश्न है, एक पारिस्थितिकी तंत्र में सकल प्राथमिक उत्पादन से हानियां घटाकर इंगित की जाती है, तो इसका जो आंसर होगा वो होगा डी, निवल प्राथमिक उत्पादन। अगला प्रश्न, कृषि भूमि उद्योग मॉडल एक आर्थिक मॉडल है जो डैश द्वारा बनाया गया है, तो इसका आंसर होगा ए, वॉन थ्यूनेन के द्वारा ये बनाया गया है। अगला प्रश्न, भारत में जनसंख्या की नकारात्मक वृद्धि डैश में हुई थी, यानी भारत में जो जनसंख्या की नकारात्मक वृद्धि का मतलब है कि जनसंख्या घट गई थी, वो कब हुई थी? तो इसका जो आंसर है वो है 1911 से 21 के बीच में ये हुआ था,
और आपको पता है कि इसमें ही प्रथम विश्व हुआ था, किसमें, इसी में ही प्रथम विश्व युद्ध हुआ था। तो इसमें भारत की जो जनसंख्या है उसमें नकारात्मक वृद्धि हुई थी। अगला प्रश्न, भारत में कौन सा राज्य है कॉफी का सबसे बड़ा उत्पादक है, यानी इनमें से किस राज्य में कॉफी सबसे ज्यादा होती है। तो उसका आंसर है डी, कर्नाटक में कॉफी सबसे ज्यादा होती है, असम में चाय होती है, चाय, केरल में मसाले, और पश्चिम बंगाल में क्या होता है सबसे ज्यादा, चावल, और कर्नाटक में क्या होती है, कॉफी। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत में नगरीय बस्ती के लिए एक निष्कर्ष है, यानी नगरीय बस्ती के लिए कि इनमें से कितनी जनसंख्या या उससे अधिक होनी चाहिए। तो उसका आंसर है ए, 5,000 या उससे अधिक जनसंख्या होनी चाहिए तभी वो क्या कहलाएगी, नगरीय बस्ती कहलाएगी। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है डेट्रॉयट, डेट्रॉयट खालिस्तान के लिए प्रसिद्ध है। तो डेट्रॉयट स्वचालित वाहन उद्योग के लिए प्रचलित है। स्वचालित का मतलब होता है उसमें ड्राइवर की जरूरत नहीं होगी। अगला प्रश्न है, नई दिल्ली का सीबीडी है, नई दिल्ली का सीबीडी किसे कहते हैं, तो बताइए। तो नई दिल्ली का सीबीडी कहते हैं कनॉट प्लेस को। अगला प्रश्न, हीलियोसेंट्रिक सिद्धांत को डैश द्वारा प्रतिपादित किया गया। तो हीलियोसेंट्रिक सिद्धांत को कॉपरनिकस के द्वारा प्रतिपादित किया गया। अगला प्रश्न है, किसे आर्कटिक वृत्त कहा जाता है, तो 66.5 उत्तरी डिग्री को हम क्या कहते हैं, आर्कटिक वृत्त कहा जाता है। अगला प्रश्न है, अपने ही स्थान पर शैलों की विघटन और अपघटन की प्रक्रिया कहलाती है। अपने ही स्थान पर शैल मतलब चट्टान की विघटन अपघटन की प्रक्रिया कहलाती है अपक्षय। क्या कहलाती है, अपक्षय। जब कोई वस्तु होती है, कोई भी पदार्थ, मान लीजिए चट्टान है और हवा, पानी या वातावरण के द्वारा इसका क्षरण होता है, मतलब ये धीरे 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 घटती रहती है, इसी को हम बोलते हैं क्या, अपक्षय। अपक्षय का मतलब होता है क्षय होना, क्षय होना, क्षय होना का मतलब होता है घट जाना, घट जाना, और धीरे धीरे वो अपक्षय मतलब घट होके खत्म हो जाती है। अगला प्रश्न, कणिका में विघटन डैश का एक उदाहरण है, तो इसका क्या आंसर होगा, इसका है, ये है यांत्रिक अपक्षय। अगला प्रश्न, मध्य कपासी डैश का एक उदाहरण है, तो मध्य कपासी मध्यमेक का एक उदाहरण है। अगला प्रश्न है, कोपेन का जलवायु वर्गीकरण डैश पर आधारित था, तो कोपेन का जलवायु जो वर्गीकरण है वो वर्षा और तापमान पर आधारित है। अगला प्रश्न है, एक संक्रमण क्षेत्र जहां पादप समुदाय प्राकृतिक रूप से एक दूसरे से मिलते हैं डैश कहलाते हैं। तो इसका आंसर हो गया ए, संक्रमणिका कहलाती है। अगला प्रश्न है, पर्यावरणीय निम्नीकरण भारत में निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में उच्चतम है, यानी जो पर्यावरण निम्नीकरण है सबसे कम किस क्षेत्र में सबसे ज्यादा है, जहां पे पर्यावरण निम्नीकरण है। तो इसका आंसर होगा बी, छोटा नागपुर पठार पे पर्यावरणीय निम्नीकरण सबसे उच्चतम स्तर पर है। तो दोस्तों आज की कक्षा के लिए इतना ही। आज हमने TGT SST के 20 क्वेश्चन की प्रैक्टिस की, और ये मेरा थर्ड सेशन है। जिन लोगों ने फर्स्ट और सेकंड सेशन नहीं देखा है, 20-20 क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट, वो TGT प्लेलिस्ट में जाके चेक कर सकते हैं। और अगली क्लास में, नेक्स्ट क्लास में मैं 20 क्वेश्चन फिर लेके आऊँगा आपका आगे प्रैक्टिस के लिए। तो दोस्तों मेरे यूट्यूब चैनल का नाम है अपनी पाठशाला,
आपको ये कक्षा, ये क्लास कैसी लगी? अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी ना भूलें। मेरे चैनल का नाम है अपनी पाठशाला 777, ये डायरेक्ट लिंक है, अपनी पाठशाला 777 पे जाएंगे तो आपको वहाँ पे मेरे चैनल का लोगो भी मिल जाएगा। तो दोस्तों, आज की कक्षा के लिए सिर्फ इतना ही। अगली कक्षा में मैं नए टॉपिक और नए क्वेश्चन के साथ फिर आपसे मुलाकात करूँगा। आज के लिए सिर्फ इतना ही। थैंक यू वेरी मच।